नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ शीतल। आइए देखिए ये खबर। धार जिले की विधानसभा कुक्षी के निसरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा गांव-गांव में कोरोना जांच सैंपल के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें बनाई गई हैं, जिसमें 8 सितंबर को निसरपुर ब्लॉक से एक कोरोना जांच सैंपल लेने वाली टीम टाना गांव पहुंची, जहां कोरोना सैंपल लेने वाली टीम ने आशा कार्यकर्ता व पंचायत सचिव से गांव के लोगों की जनगणना के रजिस्टर से 19 लोगों के नाम लिख लिए और गांव के लोगों को बुलाया, मगर गांव वाले अपने सैंपल देने से बचते रहे और कोरोना को लेकर झूठी रिपोर्ट आने की बात कहते हुए सैंपल नहीं दिए, जिसे देखते हुए कोरोना जांच सैंपल दल ने कोरोना सैंपल के लिए सरपंच सचिव व आशा कार्यकर्ता के रजिस्टर से 19 लोगों के नाम लिखे लिए। उनमें से 4 लोगों ने कोरोना सैंपल दिए, बाकी कोरोना सैंपल टीम ने 15 लोगों के कोरोना सैंपल रखने के ट्यूब में सैंपल खराब नहीं हो वह कैप्सूल डालकर 15 लोगों के फर्जी नाम की स्लिप लगाकर टोटल 19 लोगों के सैंपल इंदौर लैब भेज दिए, जहां से 11 सितंबर की रात को 17 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। इन 17 लोगों में 15 वह लोग हैं जिन्होंने अपने कोरोना सैंपल दिए ही नहीं, क्योंकि 8 सितंबर को इन 15 में कोई भोपाल शासकीय मीटिंग में तो कोई इंदौर मजदूरी पर गए हुए थे, तो कोई कुक्षी में पढ़ाई कर रहा, तो कोई सैंपल ना देते हुए खेत में काम करने चले गए थे। फिर किस प्रकार इनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई होगी, यह इंदौर की कोरोना जांच लैब पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। ओरिजिनल सैंपल देने वाले 2 लोग पॉजिटिव रिपोर्ट में शामिल हैं और 2 की रिपोर्ट आना बाकी है। इस प्रकार लोगों में कोरोना को लेकर विश्वास टूटता नजर आ रहा है, कहीं यह बड़ा भ्रष्टाचार तो नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि इस प्रकार झूठी रिपोर्ट लैब क्यों कर रही है, कहीं पैसे कमाने के लिए तो इस प्रकार का काम नहीं किया जा रहा है। जो आपकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई, क्या कहेंगे आप? सर, जो मेरी रिपोर्ट जो चार लोगों की रिपोर्ट बताई है, उसमें से चारों को जांच किया है और दूसरे 15 उनकी जांच नहीं की है, तो वे फोकट में हमको पॉजिटिव बताया गया है। तो तुम उस रोज में यहाँ नहीं था, बाहर गांव गया था मैं। और भी जो 15 लोग हैं, ये कहाँ पे होंगे? ये उसमें जो 1-2 तो इंदौर रहता है, कुक्सी रहता है, बाकी के तो खेतों में काम करते हैं। इन लोगों की रिपोर्ट जो आई है, तो ये लोग यहाँ थे जिस दिन जांच हुई थी उस रोज? नहीं थे, 15 लोग नहीं थे जांच किए उस रोज। क्या कहेंगे कोरोना को लेकर आप? जी सर, उसमें तो हम थे ही नहीं, तो क्या कहेंगे आप? बिना रिपोर्ट किए तो, बिना जाँच किए तो हमको कोरोना बता ही दिया सर। एक तरह से कोरोना का लेके भ्रष्टाचार कर दिया जा रहा है। क्या नाम है आपका और किस पद पे और कहाँ पे हो? मेरा नाम कमल मुझालदा है, मैं नगर पालिका में लेखाधिकारी के पद पे हूँ, मनावर में। आपकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई, क्या कहेंगे? चूँकि उक्त दिनांक को मैं भोपाल में मीटिंग में था, सीएमओ मैडम के साथ में था, और ये जो रिपोर्ट आई है फर्जी रिपोर्ट है, उस दिन मैं था ही नहीं, ना ही मैंने किसी प्रकार का अपना कोई सैंपलिंग की दी है। आपके गांव में और भी कुछ लोगों की पॉजिटिव? हमारे गांव में दूसरे लोगों को भी इसी फर्जी नाम के फर्जी कोरोना पॉजिटिव बता दिया गया है, जबकि उक्त जो व्यक्ति है वो इंदौर में रहते हैं या कुक्षी में रहते हैं, हमारे गांव में नहीं रहते हैं। क्या ये जो आपके जो कोरोना पॉजिटिव बता दी है, तो क्या आपको कुछ फर्क पड़ा इससे, आपको ही जाने आने वाले? अब रिश्तेदारों के बहुत फ़ोन आ रहे हैं, चिर परिचितों के फ़ोन आ रहे हैं कि तुम्हें क्या हो गया करके, जबकि मेरा कोई सैंपल लिया ही नहीं, तो कोरोना पॉजिटिव में हुई नहीं, तो फिर इस प्रकार से मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है। गुमान सिंह चौहान, लैब टेक्नीशियन निसर। सर, ये टाणा में आपने जिस तरह जांच सैंपल लिए, किस तरह से लिए और कितने लोगों के लिए? हमने 50 लोगों की जांच करी, जिसमें 20 सैंपल हमने रेंडम ले लिए। उसमें हुआ क्या कि हर गांव में हम जाते हैं तो ये बात सुनने के, तुम गलत रिपोर्ट देते हो, तुम्हारी रिपोर्ट सही नहीं आ रहे। तो उस रोज हमने ये सोचा कि चलो यार, अपन 20 सैंपल ऐसे भेजें कि मतलब कुछ नहीं, बस उसमें काड़ी डाल के हमने भेज दी, तो उन सैंपल का रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो ये आपने मतलब ये देखने के लिए कि वहाँ जांच, हाँ, जांच सही हो रही कि नहीं हो रही, इसलिए ये आपको प्रूफ होगा आपके? हाँ, मेरे पास उसका वीडियो बना हुआ ना सर, तो मतलब ये प्रूफ होगा वहाँ लोग, हाँ वहाँ धांधली चल रही, तो
मतलब 100% धांधली चल रही, क्योंकि सर मैंने तो एनएबीएल लैब में काम किया, जब कोई चीज अगर बार बार वही दोहराई जाती है तो उसका एक पॉजिटिव कंट्रोल लगता है, एक नेगेटिव कंट्रोल लगता है। अगर नेगेटिव कंट्रोल, हाँ अगर मैंने जो नेगेटिव सैंपल भेजा मतलब उसमें कुछ भेजा नहीं एज ए नेगेटिव, अगर वो चीज़ अगर नेगेटिव आती तो मैं 100% मान लेता है या हमारे अधिकारी भी मान लेते कि नहीं यार ये चीज़ जो मतलब सही है, मतलब जो जांच हो रही है वो सही है। बाकी जो अपन ने खुद अपन ने नेगेटिव सैंपल भेजा, पानी भेजा है उसका, सिर्फ VTM भेजा है, VTM की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही, तो फिर इसको अपन क्या मानेंगे? हाँ आगे से ही गलती है, ये फर्स्ट टाइम की अपन देखे सर, जनता अपने पे इतनी नाराज क्यों हो रहा है यार, कहीं भी देखे वहाँ मारा कूटी हुई उनको मारा, और ये टाणा में भी हमारे साथ ऐसी घटना है। हाँ चार लिए बाकी उसमें 20 रेंडम है, क्या अधिकारियों को इससे अवगत कराया है? नहीं इस चीज से हमने नहीं बताया, कि अब हम ही देखते हैं कि क्या होता है, बाद में बताया था करने के बाद में, मान सकते हैं ना अभी इसका तो कोई कह नहीं सकते, क्योंकि अभी हमने जो जब देखा अपनी आंखों से भाई, हो सकता है कि इसमें हम आप लोगों का भी सैंपल, ये आपको मालूम पड़ेगा कि धांधली चल रही है। हाँ धांधली चल रही है सर। सर नाम बता दीजिए। डॉक्टर NS गेलो, CBMO निसरपुर डिस्ट्रिक्ट था। सर ये टाणा में जो जांच सैंपल कोरोना को लेकर लिए थे, कितने लोगों को जांच सैंपल? हमने टाणा और उसके सब सहायक गाँव से हमने 51 सैंपल लिए थे। सर टाणा में प्रॉपर कितने आपने सैंपल लिए थे? टाणा और उसके गांव मिला के 51 सैंपल लिए थे। कितने लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव और कितने लोगों की नेगेटिव है? अभी जो रिपोर्ट आई थी वो 17 लोगों की पॉजिटिव बता रहे हैं उसमें, और बाकी लोगों की टोटल आ गए, अभी जो बाकी लोगों के भी आ गई है टोटल नेगेटिव, बाकी लोगों की आई। सर उसमें 13 लोग ऐसे हैं जिनकी जांच रिपोर्ट हुई नहीं, वो पॉजिटिव किस तरह से रहे? उसकी डॉक्टर भंडारी से मेरी बात हुई, नोडल अधिकारी से, वो ICMR इंदौर से जो लेब से जांच करवा रहे हैं कि आखिर उसमें कहाँ त्रुटि हुई है, वो उसके लेवल से हम दिखा रहे हैं। सर जो दोषी पाए जाएंगे उनके किस तरह कार्रवाई की जाएगी? उनके खिलाफ फिलहाल तो मैंने SCN जारी कर ही दिया है, इसके बाद तो टीम बना के पूरी जांच की जाएगी और जो दोषी है उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर इस तरह से 13 लोग नेगेटिव जिनके जांच सैंपल ली नहीं गए उसके बावजूद पॉजिटिव आना, मतलब एक तरह से कानूनन अपराध भी बनता है, तो क्या कहेंगे? बिल्कुल बड़ी त्रुटि है इसमें, जिस लेवल से भी जहाँ कार्रवाई होगी हम करेंगे उसमें। सर इससे पहले जांच सैंपल लिएंगे तो क्या उनके आप संतुष्ट हो कि सभी के जांच सैंपल लिए ही होंगे? हाँ बिल्कुल, सभी के इससे पहले जांच हुई, हमने पूरी टीम को देखा और वहाँ सारे लोगों की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है, और जहाँ पॉजिटिव है वो अधिकतर मैक्सिमम लोग जो रहे थे उसमें भी इंदौर वगैरह यहाँ से रिपोर्ट आई है, और वो लोग वहाँ भर्ती भी रहे हैं, इसलिए हमें संतुष्ट हूँ उनसे। सर ये टाणा में जितने जो जांच दल गए कितने लोग थे और क्या क्या नाम है उसमें? हमने यहाँ से टीम बना रखी है, उसमें डॉक्टर दो डॉक्टर रखे, उसमें से एक डॉक्टर कोई ना कोई जाएगा ही जाएगा, तो उस दिन डॉक्टर नीरज पांडे के उसमें सिग्नेचर हैं जो फार्मेट है, डॉक्टर नीरज पांडे, बच्चन मुझालदा BCM है, लेब टेक्नीशियन गुमान चौहान, डाटा एंट्री ऑपरेटर दयाराम वास्कर, ये लोग उसमें टीम में गए थे, और वहाँ के जो निर्देशित रहता है कि संबंधित फील्ड के कर्मचारी वहाँ उपस्थित रहे और उसमें सहायक सपोर्ट करें, ये उनके माध्यम से जो अभी पब्लिक को इकट्ठा करना इनका रोल रहता है पूरा। इतनी पब्लिक इकट्ठी हुई थी ओनली वहाँ सुनने में आ रहा कि 4 लोगों के वही जांच का विषय है कि मैं दिखा रहा हूँ, उनको SCN जारी करा और वहाँ मैं खुद पर्सनली उस गाँव में जाके देखूँगा, उनसे बयान लेकर उसकी जाँच पूरी करेंगे।